हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम बात करेंगे क्वांटम यूनिवर्सिटी के बारे में। बहुत सारे लोग इसके बारे में पूछते हैं, उत्तराखंड में इसको अच्छी यूनिवर्सिटीज में कंसीडर करते हैं। सो सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, उसके प्लेसमेंट के बारे में, उसके हॉस्टल के बारे में, वहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज होते हैं उसके बारे में। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर लें। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम आगे वीडियो और बनाने के लिए मोटिवेट होते हैं। एंड अगर आप वहाँ के स्टूडेंट से बात करना चाहें कि वहाँ का प्लेसमेंट कैसा होता है, टीचर कैसे हैं, माहौल कैसा है, सारी चीज़ों के बारे में आप जानना चाहते हो, तो आप हमें कॉल कर सकते हो। हम आपके वहाँ के स्टूडेंट से कांटेक्ट करा देंगे, आप उनसे रियल फीडबैक लेके जेन्युइन कि क्या वहाँ पे इंटरनली चल रहा है, आप एडमिशन ले सकते हो। तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है वहाँ से आप हमें कॉल कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लोकेशन की। ये लोकेशन आपको रुड़की उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। एंड अगर हम एस्टेब्लिश्ड ईयर की बात करें तो 2008 में ये कॉलेज बना है। अगर हम इसके अप्रूव्ड की बात करें तो UGC से AICTE यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड है। एंड अफिलेटेड की बात करें तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो डीम यूनिवर्सिटी है। एंड अगर हम टाइप की बात करें तो प्राइवेट है, आप सभी को मैंने पहले ही बता रखा है। एंड अगर हम रेटिंग की बात करें तो आउट ऑफ 10 आपको 7.9 यहाँ के बच्चों ने दी है रेटिंग, जो कि काफ़ी अच्छी है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट फीस एंड कोर्सेज के बारे में। बीटेक की जो फीस है वो आपको 1,19,500 रुपये देखने को मिलेगी एनुअली। एंड अगर हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लें तो 10+12 में आपको 50% से लेकर 55% तक होना चाहिए। अगर हम MBA की बात करें तो MBA की जो एनुअली फीस है वो आपको 1,52,000 रुपये देखने को मिलेगी। एंड इसमें भी एलिजिबिलिटी आपकी है कि आप ग्रेजुएशन में कम से कम 50% मार्क्स हो। BMLT की बात करें तो इसकी जो एनुअली फीस है वो आपको 64,000 पर ईयर देखने को मिलेगी। एंड इसमें भी आपको 10 और 12 में कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए। एंड इसमें आप CUT के थ्रू भी आ सकते हो, CUT जो एग्ज़ाम होता है। एंड अगर हम BBA की फ़ीस की बात करें तो 75,500 रुपये लगता है एनुअली। एंड अगर हम इस वही 45 से लेकर 50 के बीच में परसेंटेज लगती है। एंड अगर हम BHM की बात करें तो इसकी जो फीस है एनुअली 83,000 लगती है। एंड इसमें भी आपको 45% 10 और 12 में लाना पड़ता है। एंड अगर आप लास्ट एंड लीस्ट MTech की बात करें तो MTech की जो फीस है एनुअली वो है 85,500 रुपये। मैं ये उन कोर्सेज की फ़ीस बता रहा हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉल इससे रिलेटेड मुझे आते हैं। एंड इसकी अगर हम ग्रेजुएशन की बात करें तो ग्रेजुएशन में आपको 50% मतलब BTech आपकी ये हो तो BTech में कम से कम मिनिमम 50% होना चाहिए। अगर हम हॉस्टल फैसिलिटीज़ की बात करें तो हॉस्टल फैसिलिटीज़ की अगर हम हॉस्टल चार्ज की बात करें तो हॉस्टल चार्ज 80 से लेकर 1,04,000 के बीच में चार्जेस लगते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप डबल सीटर लेते हो या फिर ट्रिपल सीटर लेते हो या फिर AC लेते हो, नॉन AC लेते हो, कूलर लेते हो, वो डिपेंड करता है कंडीशन पे। एंड अगर मेस चार्ज की बात करें तो जितनी आपकी हॉस्टल की फ़ीस होती है उसी में ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं। एंड अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो 10 किलोमीटर के अंदर में बस एंड ट्रेन मिल जाती है, तो आप जहाँ से भी आना जाना चाहें आराम से आ जा सकते हैं। एंड अगर हम फैसिलिटीज़ की बात करें कि कैंपस में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है तो CCTV, वाईफाई, 24 घंटे आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। एंड सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि आपको 24/7 दी जाती है। एंड अगर हम ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ की बात करें तो इसमें अवेलेबल है, आप जहाँ भी चाहते हो, यूनिवर्सिटी के पास में कहीं हॉस्टल लेना चाहते हो तो वहाँ से भी आप अप डाउन कर सकते हो, PG से भी या फिर फ्लैट से भी अप डाउन कर सकते हो। एंड हम ट्रांसपोर्ट चार्ज की बात करें तो इसमें 11,000 से लेकर 25,500 रुपये तक पर ईयर आपका चार्जेस लगता है, वो डिपेंड करता है कि आप कितनी दूर से आ रहे हो। प्लेसमेंट भी इस यूनिवर्सिटी का काफ़ी ठीक ठाक जाता है। इस यूनिवर्सिटी में आपको इंडिया से हर स्टेट से बंदा मिल जाएगा, अदर यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा नहीं होता। अगर किसी एक रीजन के बच्चे आते हैं तो लगभग वही आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर इस यूनिवर्सिटी की बात करें तो ओवरऑल इंडिया हर स्टेट से आपको बच्चा देखने को मिल जाता है। सो अगर हम इसके प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट भी काफ़ी ठीक ठाक हो जाता है। इसमें IBM एंड विप्रो, एसेंचर, ऐसी और भी बहुत सारी कंपनीज़ आती रहती हैं। आप सबका नाम पढ़ लीजिएगा कौन कौन सी कंपनीज़ में आपका ड्रीम है जाने का, उसी हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन कीजिएगा, अपनी तैयारी कीजिएगा।
उम्मीद है कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर लें, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम आगे वीडियो और बनाने के लिए मोटिवेट होते हैं। एंड अगर आप स्टूडेंट से बात करना चाहोगे तो भी आप हमें कॉल कर सकते हो, हम आपकी उनसे बात करा देंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।